राजधानी भोपाल में महिलाओं में करवा चौथ को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिला। जहां एक तरफ महिलाओं में न्यूड मेकअप का क्रेज़ दिखा, वहीं महिलाएं करवा चौथ को लेकर प्री शूट करवाती दिखी। तो चलिए बात करके जानते हैं कि आखिर करवा चौथ जैसे बड़े त्योहारों में महिलाएं क्यों पसंद करती हैं न्यूड मेकअप, और क्या कारण है कि आजकल हर त्यौहार हर शादी ब्याह के पहले महिलाएं करा रही हैं प्री वेडिंग शूट। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम मेकअप आर्टिस्ट दीपिका है। जी, तो जैसा कि आपने बताया आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो इसका इस सवाल का जवाब आप सबसे सही देंगी। आजकल महिलाएं जो है मेकअप जो कर रही हैं वो न्यूड की तरफ ज़्यादा जा रही है। जैसे कोई भी पर्व त्यौहार भी हो रहा है तो पहले जो ट्रेडिशन चलता था 16 श्रृंगार का, अब वो घटते घटते एक न्यूड एक कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। ऐसा कौन सा ट्रेंड चल रहा है? एक्चुअली आजकल जो जितनी भी यूथ है या जो हमारी पुरानी जो महिलाएं हैं उनको भी आजकल बहुत सिंपलिसिटी से रहना ज़्यादा पसंद आ रहा है, और सिर्फ मेकअप ही नहीं, वो हर एक चीज़ में अपने आप को बहुत सिंपल और लाइट रखना पसंद कर रही हैं। और मेरे पास भी जितने भी मेकअप आते हैं, इवन शादी के जो भी मेकअप आते हैं ना, वो भी आजकल ये उनका क्रेज़ होता है कि हमें बहुत ज़्यादा न्यूड मेकअप चाहिए। और सबसे ज़्यादा बात ज़्यादा अच्छी बात यह है कि लोगों को सिंपल रहना अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब उनको नहीं चाहिए कि हमें कलर्स बहुत सारे चाहिए। आप कलर्स में भी अगर देखोगे तो पिंक, पीच, क्रीम, इस टाइप के कलर्स में वो मेकअप या फिर लिपस्टिक पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनकी चॉइस ही ये हो गई है कि हमें बहुत सिंपल और न्यूड में ही रहना है, हमें नहीं चाहिए हाइलाइटेड चीज़ें। जैसे कि अभी करवा चौथ आने वाला है, ऐसे में महिलाओं में ज़्यादा क्रेज़ लाइट कलर के कपड़ों का हो रहा है। ऐसा मतलब महिलाएं पहले लाल या फिर मरून कलर का कपड़ा पसंद करती थी, मगर अब पिंक, पीच या फिर कोई लाइट सा शेड पसंद करती है, चाहे वो नवविवाहित ही क्यों ना हो। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहती हैं? हाय, मेरा नाम निकिता है, मेरी लास्ट ईयर ही शादी हुई है एंड क्रिएट करता है। एंड अभी डार्क कलर उतना ट्रेंड में भी नहीं है, जैसे हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, सबको देखते हैं, सो जो ट्रेंड में चलता है वही लोगों को पसंद आता है, इसलिए हमें अभी लाइट कलर ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। मेरा लाइट कलर का साड़ी रहेगा विथ लाइट, वेरी लाइट मेकअप, ये गेटअप रहेगा। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है त्यौहार बहुत ही सिंप्लिसिटी से और अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे पहले बहुत उत्साह दिखता था लोगों में, लोग एक साथ जुड़ के त्यौहार को मनाते थे, तो अब ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि त्यौहारों में लोग मतलब बहुत सिंपल तरीके से और मतलब काफ़ी अलग तरीके से मना रहे हैं त्यौहार? जैसे कि आपने बोला कि लोग साथ में त्यौहार क्यों नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत दूर रहते हैं, फैमिली से अलग रहते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ भी है कि हम लोग भोपाल में हैं और मैं छतरपुर से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली छतरपुर में ही रहती है, पर हम लोग साथ में हर त्यौहार नहीं मना सकते हैं। बाकी जो कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं कि जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई, तो हम लोग साथ में ही मनाते हैं। बड़े बड़े त्यौहार चले जाते हैं घर पर साथ में, कभी वो लोग आ जाते हैं तो हम का हो जाता है। जैसा कि आजकल ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, हर एक त्यौहार हर एक सेलिब्रेशन के पहले लोग जो है एक प्री शूट कराते हैं, तो करवा चौथ के पहले भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि एक प्री शूट कराया जा रहा है। तो ऐसा आप लोग मतलब प्री शूट का ट्रेंड कहाँ से आया है? हेलो, मेरा नाम अदिति चौहान है। जैसा कि आपने कहा प्री सेलिब्रेशन एंड प्री शूट, पहले ये सब नहीं होता था। पहले भी करवा चौथ करते थे लोग, सारे फास्ट करते थे, रिचुअल्स फॉलो करते थे, बट आई थिंक काम में वो इतना बिजी रहते थे कि इन सब की तरफ उनका फोकस ही नहीं गया। आपने देखा होगा आजकल प्री शूट होता है, प्री मेकअप होता है, और लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर, तो अच्छा लगता है। लोग लेडीज़ रेडी होती हैं, हस्बैंड भी अट्रैक्ट होते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, तो आई थिंक इट्स गुड। तो आप कितनी साल से करवा चौथ का व्रत कर रही हैं? मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं और ये 17वां करवा चौथ है मेरा, और मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ इसको, बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। क्या आप हर साल करवा चौथ के पहले एक प्री शूट कराते? या ऑफ कोर्स, स्टार्टिंग में नहीं था, मुझे भी इतना क्रेज नहीं था, बिकॉज 17 ईयर इज टू लॉन्ग टाइम, बट हाँ 4-5 साल पहले से मैं काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, सारी तैयारियाँ करती हूँ, प्री शूट करवाती हूँ।